इसराइल एयरफोर्स के 100 जंगी जेट का बेड़ा उड़ा, लेबनान में घुसा, 1000 टारगेट सेट हुए और फिर बारूद बरसने लगा, धरती फाड़ धमाके होने लगे, त्राहिमाम मच गया। इसराइल ने स्टेल्थ फाइटर जेट से उत्तरी लेबनान में 1000 ठिकाने तहस नहस कर डाले। हिजबुल्ला लड़ाकों को इस बारूदी अटैक में बचने का वक्त तक नहीं मिला। इसराइल ने एयर स्ट्राइक कर हिजबुल्ला के उस गोला बारूद के गोदाम को बर्बाद किया जिससे उसे दहलाने की प्लानिंग थी। इतने भीषण हमले में नुकसान का हिसाब लगाने से पहले ही बौखलाए हिजबुल्ला लड़ाकों की रॉकेट फोर्स ने इसराइल को दहलाना शुरू कर दिया। लेबनान में घुसकर हुए इस हमले के बाद एक और अघोषित युद्ध शुरू हो गया है, इसराइल हिजबुल्ला का युद्ध। छोटी छोटी भिड़ंत से शुरू हुई ये लड़ाई सबसे भीषण घमासान में बदलती जा रही है। हजारों रॉकेट और सैकड़ों जंगी जेट, जब जंग के मैदान में हो तो युद्ध का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। हिजबुल्ला ने इसराइल को घर में घुसकर दहलाने की हिमाकत दिखाई है। इसराइल के सैन्य ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाकर नसरल्ला के लड़ाकों ने ऐसी आफत मोल ले ली है जिससे पूरे लेबनान के कब्रिस्तान बनने का सायरन बज गया है। वजह है ये, इसराइल में हिजबुल्ला के रॉकेट इंसानी बस्तियों में गिरे हैं। אנחנו מקים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו. נסראללה בביירות וחמנאי בטהרן צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם. ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. אג כי לפטו שגירה ימקן ישראל כנגריק כהה. हिजबुल्ला के रॉकेट धमाके के बाद पूरा मकान जलकर राख हो गया है। इसराइल के हाइफा सिटी में भी हिजबुल्ला के रॉकेट के बारूदी धमाके से कई घर तबाह हुए हैं। तस्वीर इसराइल के हाइफा सिटी की है, मकान युवाल सादा का है। उनके घर पर हुए हिजबुल्ला के रॉकेट हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। हमले से मकान की छत फट गई है। गनीमत यह रही कि हमले से पहले अलर्ट सायरन बजा और युवल घर से बाहर चली गई, लेकिन जब लौटी तो पूरा मकान तहस नहस हो चुका था। קמנו כמו כל הזמן שלפעמים יש אזעקות, לפעמים יש בומים. רגיל, שומרים על הנחיות, יורדים למטה, אין לנו מרחב מוגן בתוך הבית, יש לנו רק בחוץ מקלט שכונתי, לא הספקנו להגיע אליו, אז אנחנו בדרך כלל נכנסים מתחת למדרגות, ונמצא שם עד שהאזעקה, סליחה, מפסיקה. נכנסנו כולנו בערך 5 אנשים, לא הספקנו אפילו לסגור את הדלת של ארון נעליים, היה בום רציני בתוך הבית, כל הבית רעד. אני זוכרת קצת פלשבקים, כאילו אש, עשן, דברים כאלה. इसराइल में नेतन्याहु के आलोचक दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान इसराइल का ही होगा, क्योंकि हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग खामनेई के बिछाए बारूदी दलदल में नेतन्याहु को तेजी से खींच रही है। गाजा युद्ध में उलझे नेतन्याहू को खामनेई के प्लान के हिसाब से हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला लेबनन फ्रंट पर उलझाने की कोशिश में जुटा है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही लड़ाकों के टॉप कमांडर अब्दुल मलिक हूती पूरी तरह से मदद कर रहा है। इन तीन फ्रंट पर आर पार का युद्ध शुरू हुआ तो इसराइल को घेरना आसान होगा, जिसके बाद चौथा फ्रंट ईरान खोलकर इसराइल से इस्माइल हानिया की मौत का हिसाब बराबर करेगा। खामनेई बस इसी दिन के इंतजार में शांत बैठे हैं कि इसराइल लेबनान में अपनी सेना उतार दे। अगर ये बारूदी बैटल ग्राउंड धधकने लगा तो इसराइल 4 दुश्मनों से एक साथ युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। हिजबुल्ला ने इस रॉकेट अटैक को अपने कमांडर फुआद शुकर की मौत के बदले की पहली किश्त बताया है। फुआद शुकर हिजबुल्ला का सीक्रेट कमांडर के तौर पर बदनाम था। शुकर इतना सीक्रेट रहकर ऑपरेशन अंजाम दे रहा था कि उसकी सही तस्वीर की तस्दीक करना आसान नहीं। फुआद शुकर को इसराइल ने बेरूत के दहिया में बहुमंजिला इमारत में निशाना बनाया। फुआद जिस अपार्टमेंट में था उसके नीचे की 3 मंजिलों को बम से उड़ाकर मारा गया। फुआद शुकर 20 साल की उम्र में 1980 में हिजबुल्ला से जुड़ा था। फुआद को हिजबुल्ला को हाईटेक हथियारों से लैस करने का क्रेडिट दिया जाता है। हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला का सबसे खास कमांडर फुआद को 30 जुलाई को मारा गया।
हिजबुल्ला फुआद की मौत का बदला लेने के लिए कई बार कोशिश कर चुका है, लेकिन रविवार की सुबह हुए हमले को नसरल्ला ने इंतकाम की पहली किश्त बताया है, जिसका मतलब है हिजबुल्ला अभी हाहाकारी प्रहार की तैयारी में है। हिजबुल्ला ने रॉकेट फोर्स के साथ फाइटर ड्रोन भी जुटा लिए हैं। हिजबुल्ला लड़ाके इसराइल में कहां तक मार कर सकते हैं? क्या हिजबुल्ला लड़ाके अपने दम से नेतन्याहू पर भारी पड़ सकते हैं? आखिर हिजबुल्ला का वॉर प्लान क्या है, ये जानिए। उससे पहले इस युद्ध के मास्टरमाइंड का गेम भी समझ लीजिए। हिजबुल्ला लड़ाकों की वफादारी किसके लिए है ये भी जान लीजिए। हिजबुल्ला ईरान समर्थित लड़ाका गुट है, लेकिन ये समर्थन सिर्फ हथियार और फंडिंग तक सीमित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। अला असलहा जदीदा طبعا ما حاول شو الأسلحة الجديدة هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد أو هاي بتبين ईरान शिया बाहुल जितने भी फाइटर ग्रुप हैं उन सब की टीम बना रहा है। इजराइल से नफरत करने वाली कट्टर फौज को एकजुट कर ज्वाइंट अटैक का प्लान असरदार साबित हो सकता है। हिजबुल्ला को जिन संगठनों से इजराइल के खिलाफ मदद मिल सकती है उन्हें भी देखिए। इजराइल के खिलाफ लेबनान का अमल मूवमेंट गुट हिजबुल्ला का सबसे बड़ा साथी बनेगा। लेबनान में अमल मूवमेंट की हिजबुल्ला की तरह राजनीतिक और मिलिट्री विंग है। अमल मूवमेंट के लेबनान संसद में सबसे ज्यादा 14 सदस्य हैं। मुस्तफा चमरान का बनाया अमल मूवमेंट इजराइल से 1978 में युद्ध लड़ चुका है। लेबनान से बाहर हिजबुल्ला के साथ पाकिस्तान की जैनब ब्रिगेड जुड़ेगी। जैनब ब्रिगेड में ज्यादातर ईरान के शिया मिलिशिया लड़ाके हैं। सीरिया के गृह युद्ध में जैनब ब्रिगेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज हिजबुल्ला के साथ वॉर जोन में मौजूद रहेंगी। इराक के शिया लड़ाके गुट हिजबुल्ला के सबसे ताकतवर पार्टनर हैं, जिसमें 67 ग्रुप के फाइटर शामिल हैं। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स 2014 में बनी थी, जिसने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लंबी लड़ाई में जीत हासिल की थी। 2018 में इस पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट का दोबारा हैदर अल आबादी ने संगठित किया है। रूस की प्राइवेट आर्मी के तौर पर कुख्यात वैगनर लड़ाकों से मदद मिलने की उम्मीद भी हिजबुल्ला को है। इसके साथ अजरबैजान के कई गुट युद्ध में हिजबुल्ला का साथ दे सकते हैं। यानी हिजबुल्ला इसराइल को बराबर की टक्कर देने की ताकत जुटा सकता है, मगर नेतन्याहू अकेले तो युद्ध में होंगे नहीं। इसराइल का रखवाला दुनिया का सबसे ताकतवर देश सुपर पावर अमेरिका है। पश्चिम के वो देश इसराइल का साथ देते हैं जिनके पास एटम बम है। इसी वजह से नेतन्याहू ने हिजबुल्ला के खतरे से निपटने की हुंकार भर दी है। אנחנו מקים בחיזבאללה במעלומות מחץ מפתיעות. לפני 3 שבועות אנחנו חיסלנו את הרמטכ"ל שלו, היום סיכלנו את תוכנית התקיפה שלו, נסראללה בביירות וחמינאי בטהרן. צריכים לדעת שזהו צעד נוסף בדרך לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את תושבינו בבטחה לבתיהם, ואני חוזר ואומר, זה לא סוף פסוק. नेतन्याहू की धमकी के बाद लेबनान में युद्ध का डरावना माहौल है। लेबनान से विदेशी नागरिकों ने निकलना शुरू कर दिया है। लेबनान में यात्रियों को फ्लाइट कैंसिल होने से बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन काउंटर स्ट्राइक में अगर हिजबुल्ला कामयाब हुआ तो समझ लीजिए इसराइल कई फ्रंट पर फंस जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला की मिलिट्री विंग ईरान के बिछाए बारूदी दलदल में इसराइल को तेजी से खींच रही है। नेतन्याहू जिस बारूदी दलदल में फंसे हैं, उसमें 7 अक्टूबर के बाद सबसे बड़ा हमला इसराइल पर हुआ है। नेतन्याहू को फंसाने के लिए इस बारूदी दलदल में हिजबुल्ला भी है, हूती भी है, ईरान भी है, और ये सब कुछ खामनेई के इशारे पर किया जा रहा है। इस बात का तो ईरान को समझने वाले भी दावा करते हैं। हानिया की हत्या के बाद नेतन्याहू के लिए इस दलदल से निकलना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसराइल में भी इमरजेंसी के हालात हैं, क्योंकि अपने ठिकाने पर हुए भारी नुकसान का हर्जाना वसूलने के लिए हिजबुल्ला मोसाद के बेस पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है।
इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी इस हमले का अनुमान लगा लिया है। हिजबुल्ला फाइटर इस बार नेतन्याहू को चौंकाने वाला अटैक अंजाम दे सकते हैं। इजरायली आर्मी रेडियो और मीडिया आउटलेट हारेट्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिजबुल्ला मोसाद ठिकानों पर हमला करने के लिए रात का वक्त चुनेगा। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्ला का इरादा रात भर में मध्य इजरायल में सैन्य खुफिया और मोसाद ठिकानों पर हमला करने का है। हिजबुल्ला के हमले से निपटने के लिए इजराइल की पूरी फौज तैयार है। नेतन्याहू के जंगी जेट, डिफेंस सिस्टम, विध्वंसक मिसाइलें रेडी टू फायर हैं। इतिहास गवाह है कि इजराइल दुश्मन को तबाह करने के बाद ही रुकता है। वहीं लेबनान में हिजबुल्ला लड़ाकों ने इजराइल में घुसकर आर पार के युद्ध का ऐलान कर दिया है। मतलब ये भीषण युद्ध गाजा और रफा की त्रासदी से भी भयावह होने जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्ला ने इसराइल के नागरिकों को निशाना बनाया है। इसराइल अपने किसी भी नागरिक की जान के लिए दुश्मन देश को बर्बाद करने से हिचकता नहीं। नेतन्याहू के अगले एक्शन की भनक लेबनान को लग चुकी है। लेबनान के कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर युद्ध रोकने के लिए मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। मिस्र ने भी लेबनान को आर पार की जंग से बचने की नसीहत दी है, लेकिन लगता नहीं कि हिजबुल्ला लड़ाके किसी की सुनेंगे। अपने कमांडरों की मौत का बदला लेने के लिए बेताब हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला भी नेतन्याहू को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। हालांकि इसराइल की मिलिट्री पावर के सामने हिजबुल्ला का टिकना मुश्किल है। ईरान की मदद के बगैर हिजबुल्ला का हश्र हमास जैसा ही होगा, मगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला को बचाने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे हैं। वजह है उनका लेबनान से पुराना रिश्ता। मुमकिन ये भी हो कि नेतन्याहू को चार फ्रंट पर उलझाकर ईरान हानिया का हिसाब बराबर करे। ये बखेड़ा इस्माइल हानिया की मौत से शुरू हुआ है, जिसे इसराइल ने ईरान में घुसकर मार डाला। हमास के सुप्रीम लीडर की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इसराइल को बर्बाद करने की धमकी पहले ही दे चुका है। और इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले किए। इसराइल के करीब 100 फाइटर जेट के हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हो गए, जिसके बाद लेबनान के कई इलाके धुआं धुआं दिखाई दिए। वहीं लेबनान से हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर करीब 320 मिसाइलों से हमला किया, जिसमें करीब 200 मिसाइलों को इसराइल ने मार गिराया। बताया जा रहा है कि इस हमले में लेबनान में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि इसराइल में 1 की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हो गए हैं। जिस हिसाब से दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए, वो पिछले 10 महीनों में सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तो इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के कई ठिकानों पर हमले किए हैं और इसराइल के करीब 100 फाइटर जेट के हमले में हिजबुल्ला के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। और ये देखिए, जिन ठिकानों को तबाह किया गया है उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां से धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। और लेबनान के कई इलाके धुआं धुआं नजर आए हैं। और लेबनान से हिजबुल्ला ने भी उत्तरी इसराइल पर करीब 320 मिसाइलों से हमला किया है। और उस हमले के दौरान की जो स्थितियां हैं वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तकरीबन 200 मिसाइलों को इसराइल ने मार गिराया और बताया जा रहा है कि हमले में लेबनान में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इसराइल में 1 की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। और इस हिसाब से दोनों तरफ से जो मिसाइल और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं वो लगातार जारी हैं। और ये 2 तस्वीरें अब आपको दिखाई जा रही हैं, जो मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी देखिए। रात के वक्त का तबाही का मंजर और दिन में काला धुएं का गुबार, दोनों ही तरफ आप देख पा रहे होंगे। वहीं 10 महीनों में सबसे बड़ा ये हमला अभी तक का माना जा रहा है। किस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही हैं वो भी देखिए। और जो ड्रोन हमले किए गए हैं उसकी वजह से कई इलाके पूरे तबाह हो चुके हैं। और अब ये 3 बड़ी तस्वीरें, जो तीसरी तस्वीर है वो देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि पूरा इलाका जो है वो तबाही के मंजर में नजर आ रहा है।
तो 200 मिसाइलों को इसराइल ने मार गिराया। हालांकि इस दौरान जिस तरीके से हमले किया जा रहा है दोनों ही तरफ से, 10 महीनों में जितने हमले हुए हैं इस बार का ये हमला सबसे ज्यादा भयावह कहा जा रहा है। तो मिसाइलों से तो हमला हुआ ही, साथ ही ड्रोन हमले भी हुए हैं और भारी नुकसान लोगों को हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, दीवारें चटक गई हैं, दूर तक इसकी कंपन महसूस की गई है। और अब आप ये आगे की तस्वीरें देखिए, जब इस हमले के दौरान आप देखेंगे पूरा का पूरा इलाका